पन्ना जिले में पवई ने पुलिस ने 2 दिन पूर्व ग्राम हिनौता में चोरी का शुक्रवार को खुलासा करते हुए चोरी के सामान सहित एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 2 दिन पूर्व ग्राम हिनौता निवासी बिहारी पटेल के घर में अज्ञात चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी फरियादी ने पवई पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर थाना प्रभारी त्रिवेंद्र तिवारी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम ने विवेचना के दौरान मौके पर लिए गए फिंगरप्रिंट्स की सहायता से गांव के ही कुछ लोगों को शक के आधार पर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान राहुल पटेल से सख्ती से जब पूछताछ की गई तो उसने चोरी स्वीकार कर लिया। साथ ही उसके पास से चोरी हुआ सोना चांदी का सामान सहित नगद राशि जब्त कर ली गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। निवासी बद्री पटेल ने थाने में आकर सूचना दी कि 28 तारीख की रात्रि में उसके घर में घुसकर किसी अज्ञात चोर ने सोने चांदी के जेवरात नकदी सहित जो है कुल मशरू का लगभग 90,001,00,000 का मशरू का उसमें चोरी की गई थी। चोरी के बाद उसने थाने में सूचना दी। तत्काल थाना प्रभारी गवई ने उस पर अपराध पंजीबद्ध किया। वरिष्ठ अधिकारियों को उससे अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पवई के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा उसमें अथक प्रयास किया गया, जिससे उस चोरी में जिस व्यक्ति द्वारा एक 19-20 साल के लड़के द्वारा जिसका नाम राहुल पटेल है चोरी की गई थी और पूछताछ में उसने चोरी करना स्वीकार किया है। उसके कब्जे से एक सोने का हार, सोने की मंचली, सोने की अंगूठी, 3 नग, सोने का टॉप, चांदी की पायलें, चांदी करधन, हाथपोश, चांदी के कंगन इत्यादि जब्त किया गया है। ये पवई पुलिस की बड़ी सफलता है, जो इन्होंने लगभग 100% जो चोरी गया माल है वो पूरा जब्त किया है।